एसएमएस न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग नौकरानी को निर्वस्त्र कर पीटा, 555 रिक्शा चालकों का बीमा, नहीं घटे पेट्रोल डीजल के दाम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अंधेरी में नाबालिग नौकरानी को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़िता का गुनाह बस इतना था कि वह काम पर देरी से आई थी। अंधेरी के वर्सावा इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग घर काम करती है। वह 6 दिसंबर को सुबह काम पर देरी से आई। इस बात को लेकर उसकी मालकिन को गुस्सा आ गया। उसने पहले नाबालिग को बुरी तरह से पीटा और उसे निर्वस्त्र कर दिया। इतना ही नहीं, मालकिन ने नौकरानी के मोबाइल से ही उसकी न्यूड वीडियो बनाया और नंगी तस्वीरें ली। उसने पीड़िता को चप्पलों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई है। उसे इलाज के लिए कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के भाई ने वर्सावा पुलिस में मालकिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मारपीट, छेड़छाड़, अपमान और बाल संरक्षण के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, रिक्शा टैक्सी चालक संघ कल्याण शहर के अध्यक्ष प्रणव प्रकाश पेनकर के प्रयास से और रुचि सामाजिक संगठन वंदना लोकंड के मार्गदर्शन से 555 रिक्शा चालकों का बीमा किया गया। पहले 2 दिन के शिविर में 450 रिक्शा चालकों ने चिकित्सा उपचार एवं दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाया। रिक्शा चालकों के अनुरोध पर शिविर को 1 दिन के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार और दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए बढ़ाया गया था। इसका फायदा 100 से अधिक रिक्शा चालकों ने उठाया। इस तरह कुल 555 रिक्शा चालकों का बीमा किया गया। अगली खबर, वैश्विक बाजार के क्रूड ऑयल कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में उपभोक्ताओं को इसका कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 1 महीने में वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल करीब $100 प्रति बैरल यानी 10% सस्ता हो चुका है, लेकिन उपभोक्ताओं को अब भी पेट्रोल और डीजल के लिए महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। 1% की कटौती भी नहीं की गई है। दिवाली के पहले तक वैश्विक बाजार में वृद्धि के अनुरूप रोज कीमतें बढ़ाने वाली तेल कंपनियां पिछले 1 महीने से कीमतों को लेकर खामोश है। महाराष्ट्र में तो लोगों को और ज्यादा महंगी कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने टैक्स में कोई कटौती नहीं की है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।